असर हाजिर में एक चीज आपके लिए जरूरी है, एक चीज असर हाजिर के लिए जरूरी है। असर हाजिर के जरिए के लिए ये जरूरी है कि आपको मैक्सिमम डिप्रेसर और एंजाइटी से आशना करें, खौफ से आशना करें, और आपके लिए जरूरी है कि अपने एहसाब और कदो कामत को और हिम्मत को बचाने के लिए मजबूत तरीन आसरा लो। और मजबूत तरीन आसरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और ये यकीन रखिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब दाना दुनका खाना पीना सब ख़त्म हो जाएगा, जब ज़मीन बंजर और बेआबो गया हो जाएगी, जब पानी पीने के लिए नहीं रहेगा। अब हो रहा है ना जापान में, देखा ना, पानी ख़त्म हो गया वहाँ पर, कोई डर के मारे रेडिएटेड वाटर नहीं पी रहा वहाँ से, खाना मंगवाने बंद हो गए ना। तो अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल्लाह फिर ऐसी कयामत के दिनों में हम क्या करेंगे। फरमाया तस्बीह, अल्लाह तुम्हें उसके ज़रिए देगा। अल्लाह की याद, खुदा तुम्हें अपनी याद के ज़रिए से देगा। अल्लाह की याद की मुखालफत न करना। हाँ ये ज़रूर है कि खाली खुली याद एक छोटे और मामूली ऑर्डर्स के बगैर नहीं हो सकती। तस्बीह आपको रिमाइंड करती है, ऐ बंदा खुदा इतना आगे जो तू बढ़ गया है खुदा की याद में सुबह शाम, तो क्या तुझे एक बेसिक और बुनियादी नमाज नहीं पढ़ी जाती तुझसे? क्या एक बुनियादी तुझसे काम नहीं किया जाता जो हर मुसलमान पे लाजिम है? तो खादिन हजरात मेरी दुआ है कि वला ताहनू वला तहजनू व अंतुम अलऔलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि इस असर में आप उदास ना होना मुसलमानों की हालत से, गम न करना, अल्लाह की याद में सुस्ती न करना, अच्छा ईमान रखना। और अल्लाह ने वादा किया है वह अंतुम अलऔलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब हो अगर ईमान वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह